दीदी। अभी मैं खड़ी हूँ झारखंड राज्य के पाकुड़ शहर के मीना बाजार में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ 40-50 गुलगुलिया परिवारों से मैदान भरा हुआ है। यह लोग गर्मी बरसात जाड़ा में भी इसी तरह खुले में ही रहते हैं। अभी लोग हम लोग को सरकार अभी जब लोगों को घर दे सकता है तो जरूर घर ले सकते हैं। सरकार हमको देखता नहीं है, मैं करता नहीं तो क्या करेंगे, फुटपाथ में फुटपाथ खाएंगे और क्या करेंगे। हम लोग छोटे से दादा पुरखा से लेकर पूरा हम लोग कहीं में चलते हैं। मेरे बाबा दादा तो चल गया, अपना जिंदगी के बारे में सोचो ना, अपना भविष्य के बारे में सोचो, बच्चा के बारे में सोचो, जो उसका दिन कैसे जाएगा, उसको समय कैसे गुजरेगा। सरकार हम लोग को घर दिया नहीं है, जमीन दिया नहीं है, सरकार हम लोग को पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, तो हेट में क्या पढ़ेंगे, हेट में क्या लिखेंगे। बच्चा का पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उसको भविष्य देना चाहिए, उसको जिंदगी देना चाहिए। आई नहीं करके वो दारू पी रहा बड़ा, तो बच्चा क्या करेगा, वो भी तो दारू पिएगा। कैसे पढ़ाएंगे, जब स्कूल में जाता बोले घर को काट फोटो दो, कहा तुम्हारा घर है, कहा तुम्हारा जमीन है, क्या तुम्हारा खानदान को कैसे हम क्या बताएंगे। एक जगह में रहेगा स्थानीय तब ना बच्चा पढ़ेगा, तब ना समझेगा बच्चा। आम तौर से गुलगुलिया परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। हम लोग जिंदगी पार हो रहा है, मांग जांच को मधुवार बेच को हम लोग को दिन पार हो रहा है। गुलगुलिया जनजातियों का विकास समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न है। क्या यह लोग ऊपर वाले पर ही निर्भर रहेंगे? मैं सुनीता किस्कू, पाकुड़ जिला, राज्य झारखंड से इंडिया अनहर्ट के लिए।